अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा लेसन बी दी बेस्ट ऑफ व्हाट एवर यू आर। तुम जो कुछ भी हो इसका बेहतरीन बनो। और फ्रेंड्स, ये एक हमारी जो है पोइम है, और चलिए अब हम इस पोइम की रीडिंग जो है आपकी टेक्स्ट बुक वाली वो स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन टॉप ऑफ द हिल, be a scrub in the valley, but be the best little scrub at the side of the rill, be a bush if you can't be a tree। तो ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं इस पोइम में? If you can't be a pine, कि अगर तुम सनोबर का दरख्त नहीं बन सकते, on top of the hill, पहाड़ की चोटी पर अगर तुम नहीं हो सकते स्नोबर का दरख्त, तो बी अ स्क्रब इन द वैली, तो वादी में, स्क्रब स्क्रब कहते हैं झाड़ी को, कि वादी की एक झाड़ी ही बन जाओ, बट बी मगर बनो द बेस्ट लिटिल स्क्रब एट द साइड ऑफ द रिल, बेस्ट लिटिल स्क्रब बेहतरीन झाड़ी बनो, एट द साइड, साइड होता है तरफ, ऑफ द रिल, रिल कहते हैं नदी को, स्ट्रीम को, कि नदी के किनारे बेहतरीन नन्ही सी झाड़ी बनो। बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री, तुम अगर एक दरख्त नहीं बन सकते तो एक झाड़ी बनो। नेक्स्ट स्टेंजा में ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? If you can't be a bush, be a bit of grass and some highway to happier make. If you can't be a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. क्या कहते हैं वो हमसे? If you can't be a bush, अगर तुम एक झाड़ी नहीं बन सकते, be a bit of grass, तो घास का एक छोटा सा टुकड़ा ही बन जाओ, एंड सम हाईवे टू हैपियर मेक, और किसी हाईवे, हाईवे क्या होता है? शाहरा, किसी शाहरा को हैपियर टू मेक, खूबसूरत बना दो, खुश आइंदा बना दो, खुश उसे खुशगवार बनाने के लिए तुम एक घास का टुकड़ा बन जाओ, क्योंकि घास जो है वो हाईवे के दोनों साइडों पर अक्सर उगा होता है। इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बेस, के मस्की और बेस, ये मैंने आपको समरी में जो वीडियो बनाई है आपको बताया है कि ये फ़िश की काइंड्स हैं। मस्की जो होती है वो एक बड़े साइज़ की फ़िश है और बहुत प्रीशियस होती है, और बेस जो है वो छोटे साइज़ की फ़िश को कहते हैं जो इजीली हम पकड़ सकते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मछली की काइंड से हमें एग्जाम्पल दिया ऑथर ने, कि अगर तुम मस्की नहीं बन सकते तो कम अज़ कम बेस बन जाओ, मतलब अगर बड़ी मछली नहीं बन सकते तो छोटी मछली जो है वो बनो। बट द लाइवलीस्ट बेस्ड इन द लेक, लेकिन झील में निहायत ही जिंदा दिल छोटी मछली बनो, अगर छोटी मछली ही बन गई हो तो जिंदा दिल बनो, मतलब खुश रहो हर हाल में। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारे पास, स्टेंजा नंबर 3। वी कॉन्ट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू हैव क्रू, there's something for all of us here, there's a lot of work to do and there is less work too, and the task we must do is near। next stanza mein author humse kya kehna cha rahe hain, wo dobara hame again motivate kar rahe hain, kis baat se? example de rahe hain captain ki aur crew ki, ki agar aap, वी कॉन्ट ऑल बी कैप्टन्स, कि हम सब जो है ना, सब के सब जहाज़ के जो कैप्टन्स होते हैं, जो कप्तान होते हैं, वो नहीं हो सकते। वी हैव गॉट टू हैव क्र्यू, हमें क्या है उसके लिए अमला रखना पड़ता है जहाज़ को चलाने के लिए, क्योंकि अकेला कैप्टन तो नहीं जो है बहरी जहाज़ चला रहा होता, बहुत ज़्यादा अमले की ज़रूरत होती है। देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, कहते हैं हम सब के लिए ही यहाँ एक ना एक चीज़ है, यानी कि कोई ना कोई काम है, कि अगर आप कैप्टन नहीं हो सकते तो आप क्र्यू बन जाओ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, और वहाँ पर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम भी है, एंड देयर इज़ लेस वर्क टू, और यहाँ पर ज़रा कम काम भी है या थोड़ा काम है, एंड द टास्क
we must do is near, और जो काम हमें ज़रूर करना चाहिए वो करीब है, यानी कि हमारे करीब जो भी काम हो हमें वो ज़रूर और खुशी से करना चाहिए। क्या हुआ अगर हम बड़े काम नहीं कर सकते, तो हमें कोई ना कोई और छोटा काम ज़रूर कर लेना चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा जो है, उसमें ऑथर हमसे क्या कह रहे हैं। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल, इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, इट इज नॉट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे, कि अगर तुम शाहरा नहीं बन सकते, लंबी चौड़ी सड़क नहीं बन सकते, देन जस्ट बी अ ट्रेल, तो एक छोटी सी जो छोटा रास्ता होता है वो बन जाओ। इफ़ यू कांट बी द सन, अगर तुम सूरज नहीं बन सकते, बी अ स्टार, तो एक सितारा बनो। इट इज़ नॉट बाय साइज दैट यू विन और फेल, कहते हैं ये जिसामत के लिहाज से नहीं है कि तुम जीतते हो या फेल होते हो, नाकाम होते हो। बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, तुम जो कुछ भी हो उसका बेहतरीन बनो। क्योंकि देखें, बड़े से सन को तो हर कोई देखता है, लेकिन उसके साथ साथ हम रात को जब स्टार्स आते हैं और स्काई इतना ब्यूटीफुल लगता है, हम वो भी तो कितने शौक से देखते हैं ना। इसलिए वो कह रहे हैं साइज डज नॉट मैटर, कि जो कुछ भी हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, उसका अपने काम का बेहतरीन बनो, अपना दी बेस्ट अपने काम को दो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर की पोइम टेक्स्ट बुक में जो आपकी है। वो यहाँ पर हमारी पोइम का एंड होता है।